नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। चंडीगढ़ में किसान और सरकार के बीच बैठक, आज किसान नेता बोले केंद्र को आवाज सुननी पड़ेगी, अन्यथा जो होगा ठीक नहीं होगा। राजस्थान में लाखों बच्चों ने एक साथ किया सूर्य नमस्कार, मंत्री बोले विरोध कहीं भी नहीं, मुस्लिम भाइयों ने मुझे कार्यक्रम के लिए बधाई दी है। राजस्थान में चोरी हो रहा मोबाइल नेटवर्क, कंपनियां चोरों के आगे है मजबूर, एक्सपर्ट की मदद ले रहे आरोपी, करोड़ों का नुकसान। रामलला के दर्शन करेंगे साय मंत्रिमंडल, छत्तीसगढ़ में रामराज की स्थापना का आशीर्वाद लेंगे विष्णुदेव साय, अभी लगातार जा रहे हैं भक्त। वित्त मंत्री बोले शराब दुकानों में होगी एजुकेटेड युवाओं की भर्ती, छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब भंग, दिए गए 126 करोड़ का होगा ऑडिट। छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं के काम की खबर, 33,000 शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती, विवि कॉलेजों में भरे जाएंगे 4200 से ज्यादा पद। लखनऊ में सुबह घना कोहरा, विजिबिलिटी 20 मीटर, 24 घंटे में 18 शहरों में बारिश, 3 दिन बाद पश्चिमी यूपी में फिर हो सकती है बरसात। गाल पर थप्पड़ के बदले सीने में गोली मारकर हत्या, 21 साल में 47 मुकदमे, सजा सिर्फ एक में, बदन सिंह बद्दो के रसूख की कहानी। गोरखपुर को फिर 60 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी, महिलाओं को करेंगे सम्मानित, तो फिर संवाद कर देंगे आत्मनिर्भरता का गुरु मंत्र। शादी से 3 दिन पहले युवक की मौत, मंगेतर का दर्द, इंस्टाग्राम पर दोस्ती शादी करने 2100 किलोमीटर दूर झांसी आई, बोली एक्स गर्लफ्रेंड ने हत्या कराई। किसान आंदोलन पर अब की जयंत चौधरी चुप, 2021 में किसानों के बीच नमक पानी और लोटा लेकर खाई थी कसम, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा बेतिया में एग्जाम देने जा रहे छात्र की हादसे में मौत, सासाराम बेगूसराय में 8 घायल, मुजफ्फरपुर में आरती उतारकर एंट्री, जूते मोजे बैन। मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर, अफेयर और जमीन विवाद में उलझी पुलिस, बाप बेटे को मारी थी 7 गोली, एसआईटी ने एक महिला और 2 युवकों को हिरासत में लिया। फतेहपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत, सड़क पार करते समय ट्रक चालक ने कुचला, ट्रक बॉडी बनाने का करता था काम। तेहपुर में किसान की गला रेत कर हत्या, खेत पर सोते समय बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, सुबह परिजन पहुंचे तो मिली लाश। फतेहपुर में दो पक्षों में चली लाठी डंडे, नाली का पानी निकालने को लेकर हुआ था विवाद, महिला सहित 3 घायल। मथुरा में बसंत पंचमी की धूम, कहीं उड़ा गुलाल, कहीं की गई आकर्षक सजावट, बसंती रंग में रंगी नजर आई ब्रिज भूमि। नाबालिग की हत्या का खुलासा, मथुरा में चचेरे भाई ने दिया था वारदात को अंजाम, भाई की मौत का लेना चाहता था बदला। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए हिंद फोकस न्यूज, नमस्कार।